हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया चाल है। खाली मामा बैठ भी नहीं बना रही। अरे मम्मा ब्रेड नहीं बना रही? अच्छा, मिनी ये आपके लिए बना तो रही हूँ, ब्रेड क्यों नहीं बना रही भाई? बना तो रही हूँ, वैसे कर रहा। सुन के कह रहा है क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ब्रेड बना रही हूँ, इसलिए कह रहा है अच्छा नहीं बना रही। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम फाइनली इस घर में ऑलमोस्ट सेटल हो गए हैं। सब कुछ शिफ्टिंग, सब कुछ मस्त एकदम सेटल हो गया है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा पड़ा है, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। और मुझसे बहुत सारे लोग पूछे थे पिछली बारी वीडियो में कि इस घर का रेंट कितना है, तुमने रेंट नहीं बताया। तो इस घर का जो रेंट है वो $900 है एक महीने का। और कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, वही बता दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो लाइक कर दिया, ओके थैंक यू। आप लोग भी लाइक किया करो। यदि आप 500 लोग देख रहे हो तो 500 में कम से कम 300 लोग लाइक कर दिया करो। ये कम में छे थपाई हाँ बटन भी ठीक है। हाँ ये दूर है, फिर ये मैं हूँ, यहाँ पे पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। ए चलो भाई उठो, चलो 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 जल्दी चलो। अरे उठ जाओ, कहाँ डाले? बाहर मेरे को थोड़ी दो, क्या डालने कहाँ डाले? सो के दिखा चल, कैसे सो रहा था तू? आँख खोल के कौन सोता है? खांसी खांसी करके चलो जल्दी, चलो जल्दी आओ। और मैं यहाँ नीचे से ड्रोन उड़ाने का ट्राई कर रहा था अभी 2 दिन पहले, स्नो गिरा था। मैंने सोचा वो शॉर्ट्स ले लेता हूँ स्नो के, और ड्रोन ऐसा टकराया दीवार में कि उसने अपना पूरा संतुलन खो दिया और यहाँ ये पूरी जाली काट दी उसने, एकदम पूरी 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 एकदम, नहीं तो एकदम बिल्कुल न्यू थी, पूरी कट कर दी उसने जाली। और ड्रोन की ये पंखड़ियाँ यहाँ से टूट गई थोड़ी थोड़ी, और पूरा देखो पूरा घसक गया एकदम दीवार में, पूरा टकराया ना गंदे वाला, और बार बार से टक्कर टक्कर मार रहा था तो ये इस जाली में लच गई, टूटी हैं थोड़ी सी पंखड़ियाँ। और ये पूरे एकदम जो इसके ये है ना प्रोपेलर, वो पूरे एकदम घस गए पूरे, इसके भी इसके पूरे, ऐसा हो गया एकदम पुराना सा हो गया एकदम। बट लेकिन भाई साहब क्या तो क्वालिटी है इसकी एकदम, मतलब कि इतना टकराने के बाद ही मेरे को लगा कि शायद अब ये उड़ेगा ही नहीं अपना, एकदम मतलब हो गया इसका काम। लेकिन भाई साहब खतरनाक उड़ रहा है अभी छोटा सा भी, मुझे ऐसा लगा कि इसकी इतनी हिम्मत होगी नहीं। चलो भाई फटाफट फटाफट तैयार हो, फिर एकदम चलते हैं मस्त बाहर आज। और आई थिंक आज शायद हम एक महीने के बाद में शायद घर से बाहर निकलेंगे, और लेकिन एक महीने की कमी पूरी करके आए, एक महीने की कमी पूरी करके देखेंगे आएंगे, देखेंगे नहीं आएंगे करके, एक महीने की कमी घुमाने में पूरी करके करवा के लाऊंगा। लेकिन अभी खर्चे का नहीं, आई डोंट नो, एक महीने मैं किस लिए जा रही हूँ पहले वो पता करो, फिर मैं जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। चलो नेक्स्ट, फटाफट शूज पहनो, फटाफट फटाफट पहनो। हाँ जी, पहले मैं टैप पर पहन लूँ, तो इधर पर पहना हुआ है तो ये रख के लेके जाऊंगी। चलो पानी की बोतल उठाओ, शूज पहन के आते हैं। आ चल, मेरी कोल्ड ड्रिंक रख ली? नहीं, अपनी कोल्ड ड्रिंक अपने आप लेके आओ। कहाँ है? यहीं तो वहीं पे रखी होगी। फिर ठीक है, मैं लेके आऊँगा। चलो आप बोतल लेके आओ पानी की बोतल। चालू इंसान, कोल्ड ड्रिंक उठा ली, पानी रख दिया। अंदर इधर की तरफ तो किस दिन खोल के चली जाएगी इस ताले को? अरे मैं ट्राई, मैं चेक करता हूँ ना। अच्छा। ऐसे नहीं करता हूँ ना मैं। लो चलो आ जाओ, नखरे मत दिखाओ। तो जी आज बहुत दिनों के बाद में हम जा रहे हैं कहीं बाहर, मतलब मॉल वगैरह में थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी है। मेरा कोई मन नहीं है शॉपिंग करने का, मेरा है बहुत। लेकिन जब आदमी की शादी हो जाती है तो थोड़ी मजबूरियां बन जाती हैं उसको बाहर जाना शॉपिंग करने, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं, जैसे कि अभी हमारी मैरिज एनिवर्सरी है 2 दिन बाद, तो वो करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, वो मजबूरी है, कुछ नहीं होता, करते हैं सब। तो क्या यार ना हदी कर दी करे, जैसे कि मैरिज एनिवर्सरी और फिर हमें करनी पड़ेगी, ये क्या है? ये शॉपिंग की जरूरत नहीं है ना एनिवर्सरी, तो देख घर में देख, एक एक चॉकलेट तू मेरे को खिला, एक चॉकलेट मैं तेरे को खिला, हो गया एनिवर्सरी, ये ले दो ताली बजा के, ये लो ये लो। नहीं यार हाँ,
लेकिन भैया करने पड़ते हैं बहुत बार, शादी के बाद बहुत सारे खर्चे ऐसे बढ़ जाते हैं अननेसेसरी के। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से ग्रीनवुड, जो कि थोड़ी दूरी पे। चलो तो फिर चलते हैं, जो भी खर्चे हैं अब करने तो है ही। चलो लेट्स गो। अभी हम पहुंच चुके हैं ग्रीनवुड पार्क मॉल खर्चे की जगह पे। चलो भाई उतरो फटाफट, या मत करे उतर। चल ए डोले, ए जमूरे, ए अबे उतर नीरा, सो गया वो। फटाफट निपटो यहां से, घर चलेंगे वापस जल्दी, क्योंकि जितनी ज्यादा देर रुकेंगे उतना ज्यादा खर्चा होगा, नहीं तो ठीक है। मैं रात तक का सोच के आई थी। ठीक है चलो उतर जा, अब खर्चा सोच लो। तो वैसे भैया हम सबसे पहले अभी तो आए हैं जेसी पैनी में। जेसी पैनी में तो एक बहुत अच्छा स्टोर है, वहाँ पे मस्त कपड़े मिलते हैं, लेडीज के तो अच्छे दिखते हैं, जेंट्स के कभी मैंने देखे नहीं, क्योंकि मेरे को नंबर ही नहीं आया, नंबर ही नहीं मिलता एक्चुअली अपने देखने का। लेकिन एक सलाह सारे कुआरे लोंडो के लिए मेरी ये है, जब तुम्हारी शादी फिक्स होती है ना, और घर वाले बोलते हैं कि 2 मिनट लड़की से बात कर लो, देख लो, कुछ पूछना आपस में एक दूसरे को, तो चाहे कुछ पूछना है मत पूछना, लेकिन ये जरूर पूछ लेना कि आपको शॉपिंग करना पसंद है क्या। हर लड़की को पसंद रहता है, दोबारा सोच लेना। और यदि कोई लड़की मिलती है कि जो बोलती है नहीं मेरे को शॉपिंग करना इतना पसंद नहीं है, तो आंख बंद करके एक दो दूसरी जगह कॉम्प्रोमाइज कर लेना। क्योंकि भाई बहुत लग जाए, कोई नहीं मिलेगी क्या? क्या बात कर रही है, लड़की ऐसी होती है क्या? यदि कोई लड़की देख रही है तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि सारी लड़कियों को शॉपिंग पसंद होती है क्या? कैसा होगी, ले तो लिए एक, अब कैसे परेशान है? देख रही हूं यार। अच्छा सिर्फ देख रही है। यस यार, मेरे को मास्क के साथ ना मजा नहीं आता व्लॉगिंग करने में। यस मेरा मन करता मास्क उतार दूं, बट इट्स नॉट सेफ, सो लेट्स कीप इट अप। चलो हो गया, चलें घर। घर क्या क्या मतलब, अभी मैं इसका ट्रायल देखती हूं करके, क्या ठीक लग रही है क्या नहीं लग रही है। ठीक है चलो करो, चलो तेरे को ड्रेस दिलवा दी मैंने, अब मेरे को क्या दिलवा रही है तू एनिवर्सरी के गिफ्ट में? मैं तो पूछ रही हूं जब से क्या चाहिए तुम्हें। तो मैं बता रहा हूं तेरे को क्या, देख तेरे पास 3 ऑप्शन है ना, ये तो मेरे से पूछ रही है। तो या तो तू मेरे को 360 कैमरा दिलवा दे, ठीक है, या फिर मेरे को दिलवा दे इसका कैमरा बैग, ठीक है, या फिर तू मेरे को दिलवा दे सिग्मा का 16mm 1.4F का लेंस EFM। कोई सा एक चीज नहीं मेरे को नीचे नहीं आना, मेरे को नहीं, मेरे को नीचे नहीं आना। अभी देख मैंने तेरे को देख गिफ्ट में दिलवा दी थी ड्रेस, है ना, तो तेरा गिफ्ट हो गया अब, ठीक है डन। अब तू मेरे को दिलवा दे यार, क्या दिलवा? अबे नक्स को कहाँ छोड़ आए हम, ये रहा ना। अच्छा ये तो रहा। हाँ, हाँ, तो कैमरा चाहिए तो नहीं, कोई सी एक चीज नहीं, कैमरा नहीं, ये तो कैमरे का बैग है ना, बैग दिलवा दे तुम, इंस्टा 360 कैमरा नहीं, बैग सही रहेगा, ठीक है बैग दिलवा दे, कैमरा बैग। हाँ ठीक है, कैमरा बैग दिलवा दे। कितने का आएगा मुझे नहीं पता, मेरे को भी नहीं आइडिया, मैंने कह दो दी, ठीक है कैमरा बैग दिलवा दे, मेरी औकात देख के सोच लेना पहले, मुझे नहीं पता तेरी औकात सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नहीं मेरी बहुत बेकार हालत है। हाँ रोवे मत ना, शॉपिंग करने के टाइम पे कुछ नहीं,
पहली बार दिलवाने का टाइम आया तो मेरी हालत बहुत खराब है, सोच लेना ये कर लेना। खरीदते टाइम नहीं सोचना, खरीदते टाइम भी तो सोचे करिए। खरीदते टाइम मैं सोचता हूँ, तुम्हारे औकात के अकॉर्डिंग लेता हूँ। हाँ तो दिलवा दिए कैमरा बैग? यस। तू क्या दिलवाई थी? नहीं तो मैं तो शूज दिलवाने का सोच रही थी। शूज तो मैं कभी भी ले सकता हूँ। ले सकता हूँ क्या मतलब है? मुझे लगा शूज दिलवा दूँ अच्छे से। क्या लेना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, बाकी मैं सोचता हूँ। तुम भी बताओ मेरे को क्या लेना चाहिए कैमरा बैग, क्योंकि देखो लेंस का मना कर दिया इसने, इंस्टा 360 कैमरा चाहिए मेरे को, वो नहीं दिलवा रही। लेना क्या सोच के बोला तुमने? वैसे तो मैंने सोच के बोला क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ। बट मेरा भी सोच के बोलो ना, अपना सोच के मत बोलो। मेरे को चाहिए होते हैं चीजें, इसलिए चाहिए मुझे। तुम बताओ कमेंट सेक्शन में क्या लेना चाहिए, शूज लेना चाहिए या फिर कैमरे का बैग लेना चाहिए? बेटा तू खुद की और बच्चे की करती रहे, बस आदमी को मार दिया। आदमी को बैग दिलाऊंगी या फिर शूज दिलवाऊंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है तुम बताओ, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? वो माफ कर देते, एक कुछ भी गिफ्ट नहीं लेते। ये कमेंट मत करना कोई भी मेरी साइड हो, एक भी गिफ्ट नहीं लेते, वो मना कर देते, शर्म आ जाती उन्हें गिफ्ट लेते हुए भी। मेरी साइड हो तो लिखो कि हम कैमरा लेते। कैमरा चाहिए ना यार, मैं देखो 360 शॉट्स दिलाऊंगा, दिखाऊंगा फिर तुम लोगों को। कैमरा अच्छा खासा होगा तो ये बंदा सो रहा है, इसको कुछ नहीं पता, मस्त नींद खींच रहा है, लेकिन जिस टाइम उठेगा ना उस दिन हमारी नींद उतार देगा ये। फिर लेना लोंडे के लिए मस्त एकदम रिबोक विबोक की लिवाइस की देखी है ना मैंने, देखो। हाँ तो लेना फिर, क्या अपने लिए लेती रहती है? मैंने ली ना दो, मैंने दो निकाल के रखी उसके लिए। हाँ ठीक है, तीसरी ले ले, देख रहा हूँ मैं। फिर मैं अभी मैं निकाल दूँ कई सारी, फिर सबका पेमेंट तू करेगी। वापस टांग दो दे इधर, रोदी रोदी पैसे के नाम पे। रोदी रोदी बेटा एक कोई गिफ्ट दिलवा सकती हूँ आज इस टाइम? मेरी तेरा बच्चा नहीं है वो? मेरा बच्चा है, फिर तुम्हारा कट हो जाएगा। मैं तेरा आदमी नहीं हूँ हो, फिर तुम्हारे उसमें से प्राइस कट होगा, फिर कम का दिलवाऊंगा। तो यहाँ राजनीति मत चला हुआ। तो ये जैसी पहने की शॉपिंग तो हो गई है, और कुछ लेना है? नहीं ना, शर्म आ रही है कहते हुए है? मेरा क्या सीन है, मेरे को क्या दिलवा रही है? मैंने बोला ना ले लो जो लेना है ले लो। नहीं अब देख, मैं देख तुझे जैसी पहनी में लाकर खड़ा करा, मगर ले यहाँ से ले ले, मुझे ले जा खड़ा करना। मुझे क्या पता और क्या चाहिए बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें यार? अभी देख तेरे को, तेरे को देख मेरे को दिलवाना हो यदि हाँ। तो दिलवा दे, और नहीं दिलवाना तो मेरे से ये फालतू क्यों मत ना करे यार, इतने बड़े ड्रामे बाज है ना ये। मैं लेके गई हूँ ना तो मेरे को जरूरत तो है नहीं शूज की, लग तो नहीं नहीं जरूरत। अबे शूज नहीं कैमरा यार, कुछ सोच समझ के तो बोल लो। कैमरा 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 ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं कहाँ से कैसे कैमरा दिलवा सकती हूँ? दिलवाना दिलवा दे, नहीं तो मना कर दे। चलो दिलवाऊ, चलो चल कार्ड तैयार रखना। कार्ड तैयार मैं क्यों रखूं? ऐसे थोड़ी दिलवाना है यार, ड्रेसेस तो यहाँ भी अच्छी है यार। हाँ यार, हाँ ड्रेसेस बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। यस छोड़, मैं जा रहा हूँ, एक काम कर तू यहीं रह, मैं अकेला जा रहा हूँ। ड्रामा मत करो, तुम ले लो चुपचाप, फिर ड्रामा बात बनाते हो। मैं ड्रामा व्रामा कुछ नहीं कर रहा, मेरे को सीरियसली या तो लेंस दिलवा दे या कैमरा दिलवा दे। लेंस? हाँ कैमरा बैग की बात हो रही थी, कैमरे पे आ गए। मेन मेरा नंबर वन पे मेरा कैमरा है, नंबर टू पे लेंस है, नंबर थ्री पे बैग है। बैग पे आ जाओ। अब इससे तेरा प्यार जाहिर होता है कि तू कितना करती है। नंबर थ्री का, नंबर टू का, नंबर वन का है? नंबर थ्री का, नंबर थ्री का, ठीक है। मेरी इससे लड़ाई होगी, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। नहीं मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मैं नहीं, मैं मेरी लड़ाई होगी। हाँ होगी। अरे लड़ाई नहीं हुई, होगी मेरी लड़ाई, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तू? मैं तेरे को दिलवाते जाओ। सेल्फी सो रहा था, हट यहाँ से। बेटा बहुत लंबी नींद खींची तूने, जितनी देर में तूने नींद खींची ना इतनी देर में तेरी मम्मा ने मेरी खाल खींच दी। खाल भी खींची? हाँ खाल खींची है मम्मा। तू मम्मा की खींचेगा ना? हाँ ठीक। नू कह नू मेरे पापा की खाल कैसे खींची? पापा की खाल क्यों खींची? नू कह नू पापा को गिफ्ट दिलवाओ ना। दिलवाओ इंस्टा 360। एक काम करो मुझे घर छोड़ो। एक काम करो, तुझे इसे विशिंग वेल में धक्का देके चला जाऊंगा। विश मांग लो अपनी 360 की। तुझे धक्का देके चला जाऊंगा, फिर मैं ले ही लूंगा ना, फिर मैं तेरे भरोसे नहीं बैठूंगा ना, फिर मैं अपनी एनिवर्सरी खुद मनाऊंगा अकेला।
अकेला ही हुई हूँ, अकेला क्या है एनिवर्सरी बनाऊंगी हुई हूँ डांस। अकेला मैं डेकोरेट करूंगा, अकेला फिर मैं वो करूंगा क्या बोलते हैं तुम्हारे बस की डेकोरेट करना मेरे बिना। मैं घर डेकोरेट करूंगा अकेला अकेला। हाँ अकेला फिर मैं वो बनाऊंगा, खाना मंगाऊंगा बाहर से, केक लेके आऊंगा और उसके बाद में फिर मैं अकेला सेलिब्रेट करूंगा, अकेला नाचूंगा। ये साथ तो कभी नहीं नाची, अकेले तुम नाचो। अकेला नाचूंगा मैं, उसकी खुशी अलग होगी जब तुझे याद धक्का दूंगा। कोई खुशी नहीं होगी उसमें, वो खुशी अलग होगी ना। खुशियां नहीं होगी। नेक्स्ट ईयर में नाचेंगे देख साथ में, है ना? नेक्स्ट कैसा नाचेगा? मम्मा के साथ चलेगा ना फिर। कैसा नाचेगा तू बता दे अभी, कैसा नाचेगा? अभी बहुत देर की डिस्कशन के बाद में फाइनली ये माननी है कि मेरे को कैमरा दिलवाएगा इंस्टा 360, है ना? अब ये $400 का कैमरा दिलवाने की जो बात कर रही है ना, उसमें इसने इतनी अच्छी बात करी है, एक बहुत अच्छी बात है, इसने इतनी अच्छी बात करी है, इसने बोला है कि मैं एक काम करती हूँ। पहले तो मैं हाफ कह रही थी, 50-50 कर लेते हैं, 50% तुम दे दो उसका कैमरे का, 50% मैं देती हूँ क्योंकि $400 का कैमरा है। मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी, $200 दे। बोल रही नहीं 200 नहीं, एक काम करते 30% दे देती हूँ मैं, तिहाई। तिहाई बोला मैंने। हाँ तिहाई दे देती हूँ, मतलब 30% 33% एक्चुअली। तो मतलब ठीक है $130 दे दे, है ना? बोलती नहीं 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 $100 दे देती। मतलब कि कौन ऐसे गिफ्ट देता है कि भाई तुझे गिफ्ट दूंगा मैं, है ना? 25% मेरी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन, 75% तेरी तरफ से। नहीं हेल्प तो हो रही है ना तुम्हारी कैमरा लेने में कुछ तो, मेरी जिंदगी भर की कमाई जोड़ी हुई, मेहनत कर करके $100 जोड़े हैं मैंने, वो मैं देना चाहती हूँ प्यार से। खुद की आईब्रो बना बना के मेरे से पैसे ले लेके। एक बार बताओ ठीक है, आईब्रो खुद की बनाई लेकिन पैसे तो तुम्हारे बचे थे ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है, पता है बाहर जाते तो वो मेरे पास आए, वो फिर से तुम्हारे पास ही आ रहे हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पता मेरे को कैमरा दिलवाने के बाद में अपनी आईब्रो का रेट बढ़ा देगी मेरे से। अभी देती है $5 एक आईब्रो बनाने का, और महीने में दो बार पार्लर वाली से कंफर्म करना पड़ेगा यार, 2 सालों के रेट नहीं बढ़ाएगा तुमने। मैं रोज बल्कि $2 कम में बना रही हूँ पहले से ही। महीने में 2 बार लेती है $5-5। अब मुझे लग रहा है कि एक बार का $10 कर देगी शायद। यार बढ़ाने पड़ेंगे मेरे को। तो एक काम कर मत दिलो मैं। क्योंकि वो मेरे $60 में बनाती थी, ठीक है मैं 5 लेती थी, तो मैं घर का मामला सोच के कि $5 ले लेती हूँ। अभी यार हद ही होगी बढ़ने से तो गए, और मैं कम लेती हूँ। अच्छा तुम बताओ इंस्टा 360 लेना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं 50% डालने को तैयार हूँ। 50 नहीं है यार मेरे पास, $100 जुड़े हैं यार। मेरे से उधार ले लेना। उधार नहीं लेना पसंद करती मैं। क्यों? मैं नहीं लूंगा। मेरे से उधार ले ले और फिर अपनी आईब्रो बना बना के उतार दिए। मेरे पास $100 है, वो मैं तुम्हारे डालने के लिए तैयार हूँ। ओए होए कितना प्यार करती है। ओए होए होए अभी इसी वक्त तुमने मेरी इतनी मजाक उतार दी यार, $100 दे रहा हूँ, ऊपर से मजाक करवा दी तुमने मेरी सबके सामने। मैं नहीं, अरे ठीक है चलो। अभी तुम बताओ इंस्टा 360 लेना चाहिए नहीं चाहिए? मन कैमरे में पड़ा है। मतलब कि 360 कैमरा जो होता है ना उसके शॉट्स मस्त वाले मेरे को अच्छे लगते हैं, तुम बताओ कि अच्छे लगते हैं? नहीं लेना चाहिए नहीं चाहिए? वैसे मैंने बहुत कुछ खर्चा कर दिया कैमरों में, बट मेरी एक और इच्छा है, लेकिन उसके बाद दूसरी इच्छा जागृत हो सकती है क्योंकि आजकल मेरे को शौक सा चढ़ रहा है कैमरों से खेलने का। अबे तो तू एक काम करना सुन, अभी मेरे से तू मैं 300 डाल देता हूँ, 100 तू डाल दे ठीक है, और तू मेरे 300 उतारती रही है। नहीं यार मैं ऐसे में कर्जे में मेरे को नींद नहीं आएगी, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा कर्जा ऑटो। ऐसे में नहीं करता डील वील। ठीक है चलो अभी देखेंगे, डिसाइड करेंगे घर जाके, यदि कुछ और लेना होगा तो दोबारा कल फिर से आ जाएंगे कहीं और जहाँ भी जाना होगा और कल लेंगे ठीक है। आज का दिन तेरी शॉपिंग के नाम, कल का दिन मेरी शॉपिंग के नाम, और परसों का दिन हमारी एनिवर्सरी के नाम। और हम कितने साल के होने वाले हैं, मतलब हमारी एनिवर्सरी कितने, मतलब हमारी शादी कितने साल की होने वाली है, वो तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, एनिवर्सरी वाले व्लॉग में पता चलेगा। नेक्स्ट व्लॉग में नहीं, एनिवर्सरी वाले व्लॉग में, कि हमारी शादी कितने साल बड़ी हो गई। अच्छा जिनको आइडिया लगाओ कितने साल की हो गई होगी हमारी ये शादी, ठीक है आइडिया लगाओ देखते हैं ठीक है। और जिसके सही होंगे ना, उनमें से किसी 3 लोगों के मैं उन 3 लोगों के मैं कमेंट में वो जो शाउट आउट में डालता हूँ ना, तो उन 3 लोगों के डालूंगा फिर मैं, जिनके आंसर सही रहेंगे ठीक है। चलो मजा आएगा। सो गाइस अभी जस्ट पहुँचे हैं हम घर, 8:30 बजे ना रात के, और मतलब शॉपिंग वॉपिंग करके निपटा के फिर फाइनली घर आ चुके हैं। मेरा तो कुछ हुआ नहीं, मेरा तो देखो दिलवाएगी तो ठीक है, नहीं तो चलो एक काम करते हैं इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया होगा, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, देखते रहिए व्लॉग। तो चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय, बूम।